वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एस पी शुक्ला एजुकेट। मैं आपके साथ हूँ सौम्या सिंह। मैं लगातार आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मौसम ख़राब था जिससे तबीयत ख़राब हो गई और इस वजह से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पाई। आई नो आप लोगों का बहुत लॉस हुआ है, अब उसकी भरपाई तो अब लगातार वीडियोस प्रोवाइड करके ही हम कर पाएंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और विटामिन से रिलेटेड। तो आप लोग अपना टेस्ट करिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन में कितने सही किए, ठीक है। तो इससे हमें भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कितनी हेल्पफुल है हमारी वीडियो आपके लिए। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। क्वेश्चन ये था कि जब विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं होता तो कैसे हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। पानी की ही बात करते हैं, क्या पानी हमारे शरीर में संचित हो जाता है? संचित तो नहीं, स्टोर तो नहीं रहता है। तो क्या होता है कि जो विटामिन सी है वो जाता है हमारे शरीर में और पानी के साथ घुल जाता है। पानी के साथ घुल के तब वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जैसे पानी हमारे शरीर के लिए शरीर में जाता है और जैसे उसका कार्य होता है, वो उसका जो उपयोग होता है, वैसे ही एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी भी है, वो भी हमारे शरीर में जाता है और पानी के साथ घुल के हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे वो बोन्स को मजबूत करता है। होप सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन। आंसर आप जल्दी से बताइए, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। आंसर होगा विटामिन सी। दूसरा क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस विटामिन में? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B12 का। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? क्या है क्वेश्चन? बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप जल्दी से आंसर सोचिए इसका। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? होप सो आपने आंसर तो सोच लिया होगा। क्या होगा आंसर? विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होने वाला रोग।
विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होने वाला रोग, तो कौन सा रोग है पुरुषों में? अरक्तता। अरक्तता विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? अरक्तता। नेक्स्ट, अगर आपने वीडियोस को अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से नोट्स तैयार किए होंगे तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो नोट्स में नहीं थे, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को करवा रही हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपसे ना हो, ऐसा ना हो, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चंस आए आप सब, मतलब आपका अपना आप 110% दीजिए और उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट है, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है या कहाँ स्टोर होता है? मानव शरीर में भंडारित होता है, तो कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है मानव शरीर में? यकृत में। यकृत में। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन? विटामिन ए। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है? फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा विटामिन मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है? इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है। तो कौन सा करता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन है, इसका आंसर भी आप लोगों को आता होगा। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की बहुलता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की बहुलता होती है? तो किस विटामिन की होती है? विटामिन ए की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो कौन है, सोचिए आप लोग। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, सोचिए आप लोग विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत। क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो ये तो हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस जो विटामिन से रिलेटेड थे। अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से भी रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या है। जब हमने आपको शर्कराएं पढ़ाई थी तो उसमें ज़रूर लिखाया होगा शहद, ठीक है, शहद के बारे में, या फिर शहद किसका पार्ट है, किसके एग्जांपल में आता है, तो शहद किसका मुख्य अवयव है, या शहद का मुख्य अवयव है तो क्या है, कौन सी शर्करा है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है किसके रूप में, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा किस रूप में होती है, किस रूप में होती है, तो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे आहार का मुख्य स्रोत है, हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सोचिए आप लोग क्या स्रोत हो सकता है ऊर्जा का। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे आहार में, आहार मीन्स भोजन, भोजन में ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में वसा सामग्री होती है, मीन्स भैंस के दूध में कितना फैट होता है, भैंस के दूध में वसा सामग्री होती है, तो कितना परसेंट होती है, 7.2%, 7.2% भैंस के दूध में वसा सामग्री होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, दूध का रंग सफेद होता है किसकी
तो किसकी उपस्थिति के कारण? कैसीइन, प्रोटीन है ये, कैसीइन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन प्रोटीन है, मींस अल्फा केराटिन कैसा प्रोटीन है? तो अल्फा केराटिन संरचनात्मक प्रोटीन है, संरचनात्मक प्रोटीन है। दालें अच्छा स्रोत हैं, मींस दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? तो दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत हैं। प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो कितनी है? 4.2 से 4.5%, 4.2 से 4.5% प्रोटीन गाय के दूध में पाया जाता है। प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं प्रोटीन? अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड के। एक क्वेश्चन आपका और है, शरीर में धीमी वृद्धि किस कारण होती है? शरीर में धीमी वृद्धि किस कारण होती है? किस कारण होती है? सोचिए, शरीर की वृद्धि में सहायक क्या होता है? विटामिन। तो शरीर में धीमी वृद्धि विटामिन की कमी के कारण होती है। इसका आंसर होगा विटामिन की कमी के कारण। विटामिन की कमी से। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोगों का होमवर्क है, और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। गुड़ में पाया जाने वाला विटामिन है, पाया जाने वाला विटामिन है, यह है आपका क्वेश्चन। तो जो भी टॉपिक हमने पढ़ाए थे साइंस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हम लोग के और भी हैं, खनिज तत्व जो हमने बताया था आपको, वो सारे चीज़ें भी अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।